ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए तो हम लोग कहाँ पर थे, क्या क्या कराया था मैंने, लेसन कौन सा चल रहा था बताइए। मेरी किताब, मेरी किताब, मेरी किताब। तो हमने इसमें इसमें कुछ करवाया था मैंने, क्या कराया था? कुछ नहीं मैं हाँ, हमने उस दिन हमने क्या पूछा था, बातें किताबों की। क्या तुमने बहुत सारी किताबें, ये मैंने शायद कराया था, ओरल कराया था, मुझे याद आया, ओरल पूछ रही थी मैं। ओके तो चलिए इसको रिटर्न में करते हैं। ओके बोला लोगों की मन लेकिन ओके बच्चों, तो आप लोग भी पेंसिल इरेजर एंड नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी वर्क करेंगे। ओके तो रेडी हो जाइए। रेडी है ना, चलिए आप भी करिए मेरे साथ। तो हमने आपको लास्ट टर्न में क्या कराया था, ओरल कराया था और पूछा था आपसे बातें किताबों की। बाप रे इतनी किताबें, है ना, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है, कहाँ? आप लोगों ने कुछ आंसर भी दिया था, चलिए आज इसको हम राइट डाउन करते हैं। और हेडिंग है बातें किताबों की। चलिए हेडिंग है बातें किताबों की। ठीक है, ये है आपकी हेडिंग। अब आता है क्वेश्चन, क्या तुमने भी, प्रश्न नंबर वन है, क्या तुमने भी, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी किताबें की, किताबें एक साथ देखी है, और ये एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है,
कहाँ? तो इतनी सारी आपने किताबें देखी हैं, तो कहाँ देखी हैं? तो इसमें टू क्वेश्चन हैं, है ना? तो उसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाँ से। क्या तुमने? तो हाँ हमने। जब अगर आपसे पूछा जाए क्या तुमने ऐसा किया, तो आंसर क्या होगा? हाँ मैंने ऐसा किया। हाँ मैंने ऐसा, क्या तुमने ऐसा नहीं किया? हाँ हमने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आंसर हाँ। हाँ अब तुमने की जगह क्या आ जाएगा? हमने। हाँ हमने बहुत सारी किताबें हाँ हमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। एक साथ देखी है। अब पूछता है कि ये आंसर आपका पहले का हो गया हाँ हाँ, क्या तुमने किताबें बहुत सारी देखी हैं? तो आंसर है हाँ मैंने भी किताबें बहुत सारी किताबें देखी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? कहाँ? तो अब हमने कहाँ देखी है बहुत सारी किताबें, ये आंसर हमें करना है। तो हमने कहाँ पर देखी है? अपने विद्यालय की, अपने विद्यालय यानी कि जहाँ हम पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, वो विद्यालय है आपका। तो आप क्या लिखेंगे? हाँ मतलब कि अपने विद्यालय हमारे हमारे विद्यालय विद्यालय में कहाँ पर देखा? विद्यालय में एक क्या होता है? पुस्तकालय, जिसे इंग्लिश में हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो हमारे विद्यालय की पुस्तकालय यानी अब देखेंगे हम पुस्तकालय। ये हो गया पुस्तक। पुस्तक मीन्स क्या? किताब। और आलय मीन्स क्या हो गया? घर। तो किताबों का घर यानी पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तकालय क्या बन गया? पुस्तक, पुस्तकों का घर, पुस्तकालय, पुस्तकालय में, पुस्तकालय में। और कहाँ देखी है? और कहाँ पे हम देख सकते हैं? और बाजार में बड़ी और बड़ी दुकान
पड़ी दुकानों पर, जो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वहां पर भी हम बहुत सारी किताबों को देख सकते हैं एक साथ। ठीक है, जो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, ऐसे छोटी मोटी, कुछ लोग छोटी सी दुकान खोले रहते हैं, फिर कुछ लोग उससे बड़ी, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं जहां हमें एक साथ लाइब्रेरी की तरह बहुत सारी बुक, वहां भी किताबें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों है? तो ये आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि जो मैम ने लिखाया है वही आपका आंसर हो, ये आंसर आप अपने से भी लिख सकते हो। तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों में से जो आपको पसंद है ना, तो अपनी अपनी पसंद अलग अलग होती है, सबकी पसंद अलग अलग होती है, हमारी पसंद अलग होगी, आपकी पसंद अलग होगी, और मान लीजिए दर्शिता की पसंद अलग है, और ये अग्रवाल आराध्या की अलग है, इस तरह से सभी बच्चों की अपनी अलग अलग पसंद होगी। तो आप अपनी पसंद की बुक भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैम ने लिखवा दिया वही एक आंसर है, ऐसा नहीं है, अपनी पसंद की पुस्तक लिखिएगा। ठीक है, हम यहाँ अपनी पसंद की लिख रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी पसंद की लिखेंगे। ठीक है, तुम्हारे बस्ते में भी तुम्हारे बस्ते बस्ता क्या होता है बच्चों? अब बैग बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे? बस्ता बोलते थे। तो बस्ता मीन्स आप जो बैग लाते हो स्कूल, स्कूल बैग यानी कि बस्ता। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारी किताबें होंगी, होंगी है ना, उन सभी किताबों, उन सभी किताबों उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद मनपसंद किताब कौन सी है, मनपसंद किताब कौन सी है? क्यों? अगर वो किताब आपको बहुत पसंद है, आपकी पसंद की किताब आपको बहुत पसंद है, तो पूछ रहा है कि क्यों पसंद है, मतलब क्यों। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश की किताब बहुत अच्छी लगती है, तो वो इंग्लिश की किताब आपको क्यों बहुत पसंद है, ये भी कारण आपको देना है कि हमें क्यों पसंद है। ठीक है, तो मेरी अभी कौन सा क्लास है, हिंदी क्लास है ना, तो हिंदी की क्लास में हमें कौन सी किताब पसंद होगी मैम को, हम लिख रहे हैं, हमें
में हमें लिखी है मेरी मेरी मन पसंद किताब हिंदी है। अब यहां से शुरू हो जाएगा क्यों, क्योंकि इसमें चित्रों वाली अच्छी कहानियां कहानियां और क्या है अच्छी कहानियां और कविताएं हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आगे आता है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों, इसमें से आप पढ़ना चाहेंगे, नाम था उसका आसमानी या किसना या बजती गेंद या बंटू मेरा दोस्त। तो इस आंसर में आप क्या लिखेंगे, इन किताबों से जो आपको किताब पसंद हो आप उसके बारे में लिख सकते हो। हम यहाँ अपना आंसर देंगे लेकिन आप अपने मन से भी यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। मैं बार बार कह रही हूँ कि जरूरी नहीं जो मैम ने लिखा है वही आप यहाँ लिखो, आप अपने आप भी यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं और लिखना चाहिए अपनी अपनी पसंद। तो अब आप ही जानते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है, मैम तो यहाँ अपनी पसंद से लिखेंगी, आपको क्या पसंद आ रहा है ये आप अपने तरीके से लिखेंगे। ओके, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्वेश्चन है तुम इनमें से हाँ चलिए अब लिखते हैं, तुम इनमें से कौन सी चाहोगे
क्यों? अब देखिए यहां पर तो हमें जो किताब मुझे अच्छी लग रही है वो है बजती गेंद। तो हम यहाँ पर बजती गेंद किताब के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? मैं इनमें से कौन सी किताब? बजती गेंद पढ़ना चाहूंगी। बॉयज लिखेंगे चाहूंगा और गर्ल्स लिखेंगी चाहूंगी। तो हम दोनों ही लिखते हैं पढ़ना पढ़ना चाहूंगी। अब यहाँ ऑब्लिक करके चाहूंगी या चाहूंगा, तो बॉयज लिखेंगे चाहूंगा और गर्ल्स लिखेंगी चाहूंगी। ओके, अलग अलग लिखना है। अब क्यों क्योंकि मुझे गेम के साथ खेलना साथ खेलना और उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। अभी इसमें से मान लीजिए किसी ने चुना कि बंटू मेरा दोस्त, तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि वो इसलिए मैं इस किताब को इसलिए पढ़ना चाहूंगी क्योंकि मेरी मेरी दोस्त या मेरा दोस्त जो है वो बहुत अच्छा है या उसमें बहुत अच्छाइयां हैं, ये पढ़ने में अच्छा है या क्रिकेट में अच्छा है या किसी गेम में, और इस तरह से आपको लिखना है जो आपका मनपसंद हो। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट टर्न हो पाएगा। ठीक है, अब हम क्लास फ्री करते हैं।
अब आपकी बात भी कुछ सुनते हैं आप। ओके हाँ बताइए, एनी प्रॉब्लम? मैम आपकी स्क्रीन धुंधली धुंधली दिख रही है। सभी लोगों को ऐसा दिख रहा है क्या? यस मैम, यस मैम, यस मैम, नो मैम, नो मैम, स्क्रीन मैम। तंदन लिख ली मैम, उनको साफ दिख रही है। हाँ ठीक है, जिसको दिख रहा वो नहीं बोलेगा। मैम आपकी स्क्रीन लिख रही थी तब से ऐसी हो है जी। दिखी कि नहीं मैम? आप दिख रही है? नहीं दिख रही मैम, नहीं दिख रही। कोई बात नहीं मैम, आप साइड हो जाइए। मैम साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। ओके तो ये बताइए आप, हम नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे का वर्क जो है वो नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। अच्छा ये बताइए यहाँ पर कोई रेस किए दे रहे, बाद में करते रहना आप लोग, ठीक है? यस मैम, यस मैम, बाद में करते रहना इसको, अभी हम तो ये बताइए हमने आपको लेसन पढ़ाते समय जब हम आपको बोलना बंद नहीं करना आप लोगों को, कि शांति से सुने मैम की बात। नहीं सुनना है तो हमने आपसे लेसन पढ़ाते समय कुछ एक्सप्लेन किया था हमारे रिश्तों के लिए, किससे क्या हमारा संबंध होता है ना? हमने आपको बताया था ओरल कि मौसी कौन है, कौन होती है, बुआ कौन होती है, दादी कौन होती है, नानी कौन होती है, इन रिश्तों के वो बताया था हमने आपको। तो अब तो टाइम अप हो गया है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम आपको रिश्ते लिखाएंगे और भी जो इसमें क्वेश्चन है वो भी कराएंगे। ओके तब तक के लिए बच्चों बाय। मैम हाँ बिल्कुल, वीडियो तो सेंड करते ही कभी। ओके चलिए बाय सभी बच्चों को। बाय।